ये देखो जी, आज का मौसम कुछ ऐसा है, आगे कुछ दिन अब ऐसा ही रहेगा। हेलो नमस्ते, की हालचाल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। एकदम फ्रेश व्लॉग है, आज ही का मौसम आज ही आपको दिखाया जा रहा है। मतलब थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा आपको, थोड़ी देर में ब्लॉग एडिट होकर लाइव हो जाएगा। शिमला में हूँ और मौसम एकदम ऑसम हो चुका है। पीछे दो दिन थोड़ा ख़राब रहा, अब अच्छा हो चुका है। हालांकि अब आपको थोड़े गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत है। एक बार शिमला में हलचल दिखाता हूँ और आपसे बात करता हूँ अपनी अगली जर्नी की, अगली ट्रैवल की, और उसके बाद जल्दी शुरू होने वाली है मेरी ड्रीम सीरीज़। स्टे ट्यून्ड। ये देखो जी, आज का मौसम कुछ ऐसा है, आगे कुछ दिन अब ऐसा ही रहेगा। ये ओवर द क्लॉक्स है, ये हाई कोर्ट की पार्किंग। और अब ये सब बोल रहे हैं कि बर्फ़ जो है ना, आप ये समझो कि बर्फ़ पड़ती है शिमला में जैन मिड में। अटल टनल वगैरह साइड तो पड़ गई है। ये एक वॉक अराउंड व्लॉग है आपके लिए, दिखा देता हूँ। टूरिस्ट अभी भी शिमला में वो जो फ्लो होता है ना, एक्चुअल फ्लो, वो नहीं आया अभी। वैसा रश नहीं है, ठीक ठीक ही है अभी। ये जी सामने, और अभी रात का भी दिखाऊंगा आपको मैं। मतलब रात में भी थोड़ा सा शूट करेंगे। मैंने पहले किया था, सिर्फ एक ही रात पहले किया है, तो वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो आप देख लेना कि रात को आजकल क्या माहौल है। हल्की हल्की ठंडी हुई है, मतलब ये कि शाम को अब आपको ठंड लगेगी। स्वेटर लाने की ज़रूरत तो है ही है ना। ये आ गया जी लिफ्ट। जब लिफ्ट के पास में ना बेरहम लाइन शुरू हो जाए, बेरहम रश हो जाए ना, तो मतलब फुल ऑन चला हुआ है सीज़न। इस बार वो बात आई नहीं है अभी तक शिमला में, बारिश पड़ी और उसके बाद अभी लोग डरे भी थे, पर अब तो ठीक है यार, अब नहीं है टेंशन। अब तो हिमाचल में कहीं भी चले जाओ, रोड एकदम ओके, टिच हो गए हैं, सारे खोल दिए हैं, सब जो टूटे फूटे भी थे वो बना दिए हैं, नहीं तो खोल दिए हैं। तो अभी मतलब यही है कि थोड़ा बाजार में लोग लाइट्स का रश है, ज़्यादा देखोगे आप तो खुद ही आपको समझ आ जाएगी। एक और जगह जहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि रश कितना है, ये कृष्णा बेकरीज, यहाँ अभी भी बहुत रश होता है। ये नया गुला यहाँ पे अभी देसी एयर बन जाए। बढ़िया मौसम वॉक करने के लिए आजकल, इवनिंग वॉक्स के लिए, मॉर्निंग वॉक्स भी बल्कि ब्लिसफुल है। यहाँ का ये वाला मौसम भी बहुत ही सही होता है शिमला का। ये है जी रिज का नज़ारा। अभी भी रिज पे लोक लाइट्स का नंबर ज़्यादा है, टूरिस्ट का कम है, और मौसम एकदम शानदार। कुछ नहीं, जैकेट स्वेटर सब समझ लो, मतलब चल ही पड़ा है ये सब, तो है ना जी। अब इसमें भी काफ़ी हैपनिंग हो गया, ये वाली जो बिल्डिंग है ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, मैं रात को दिखाऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या खुल चुका है नया, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं।
वॉक अराउंड वीडियो इन्जॉय करो, साथ में देखो कौन कौन घूम रहा है। आप नहीं आए हैं तो ऐसे ही देखो, आ गए हैं तो मेमोरीज अपनी रिफ्रेश करो कि कैसा था तब। अभी भी खास बदला नहीं है, कुछ नई दुकानें ज़रूर इंट्रोड्यूस हुई हैं। यहाँ आपको रात को लेके चलूँगा। मेहरू स्वीट्स, त्रिशूल बेकर्स, मॉल रोड की दुकानें बदलते रहते हैं, या बीच बीच में शोरूम्स कुछ हैं जो परमानेंट है, बाकी तो चेंज होते रहते हैं। ये लोअर बाज़ार है जी सामने, और पर लोअर बाज़ार नहीं, मेरे को जाना है। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नीचे की तरफ, उसके बाद रात का शॉट, और बीच में आपसे जो मैंने बात की थी वो बात कर लेते हैं कि मेरी क्या प्लान्स है सीरीज़ वाले, है ना। तो देखो यार, ऐसा है कि मज़ा तो वैसे सीरीज़ निकाल के आता है मेरे को भी, जब सीरीज़ आती है ना। क्यों? तो पहले मैंने किन्नौर सीरीज़ निकाली थी, उससे पहले मैं उधर गया था, जगन्नाथ जी वगैरह गया था, वो भी बहुत अच्छी रही थी। तो अब फाइनली वापस से पहाड़ों में तो रहता हूँ, पर और अच्छे पहाड़ों में जाने का मन हो चुका है। ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ जिसे बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट, ऐसा कुछ अलग। तो वो है, वो हो सकता है सिर्फ एक ही जगह पे, यहाँ पे स्पीति राइड पे। जब आप स्पीति राइड करते हो ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत टाइम से मेरा मन था कि स्पीति राइड करूँ, और मैं कर रहा हूँ पोलो में ही। सर्विस करवा ली है, टायर नए लगवा लिए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिप में बताऊँगा कि क्या क्या और ज़रूरी है। पर मेरी स्पीति राइड शुरू होने वाली है, जिसका पहला व्लॉग आपका आ जाएगा कल, जिसमें मैं ट्रैवल करूंगा यहाँ से नारकंडा तक, और एक शानदार सा स्टे मैंने वहाँ पे लिया है। वहाँ रुकने के बाद आगे चलूंगा, तो वैसी जर्नी शुरू होगी पार्ट्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही अलग चीज़ होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये है मेरा ट्रैवल प्लान फ़िलहाल, तो बस वेट करो, आज के ब्लॉग को प्यार दो, शेयर करो, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब कमाल मतलब हेवन नज़ारे दिखने वाले हैं आपको। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये तिब्बतन मार्केट है, उसकी छत की पार्किंग है ये तिब्बतन मार्केट, लिफ्ट की पार्किंग के बिल्कुल साथ है ये, यहाँ पे बिल्कुल। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ से, ये देखो हाइट, ये वो नीचे लिफ्ट की पार्किंग, पूरा हमारा शिमला, और ये नज़ारे मस्त है ना। तिब्बतन मार्केट में ब्रश होने लग गया है थोड़ा अच्छा, और मतलब कपड़े भी ट्रेंडी आए हैं। तो ये है जी तिब्बतन मार्केट, बेकरी की महक आती रहती है, ग्राउंड फ्लोर में बेकरी है यहाँ पे ना, वही ठीक ही खुशबू होती है यहाँ पे। आज कुछ इशू चला हुआ है यहाँ पे, पुलिस वाले आए हैं शायद ना, वो एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा सामान वामान उठा रहे हैं लोगों का, और सामान ना बहुत कूल हो गया है इनके पास, सच बता रहा हूँ, अब ट्रेंडी होता है इनका सामान हर खुशी। ये तिब्बतन मार्केट है, मतलब मेरे को तो सही लगता है एक्चुअली, अब यहाँ पे सामान सही मस्त सामान आता है यहाँ पे। ये जी तिब्बतन मार्केट, यहाँ पे सब कुछ, ये देखो कूल कूल स्टफ ऐसा ऐसा मिलेगा, सब मिलेगा आपको। बस ऊपर से उतरोगे जहाँ से मैं उतरा लोअर बाज़ार से नीचे, तो यही रास्ता सीधा नीचे लिफ्ट की पार्किंग के पास निकल जाता है। चलो जी, मैं दिखाता हूँ कि रास्ता कहाँ निकलेगा। ये देखो यूँ और यूँ ऐसे, ये भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ पे, और ये वो देख रहे हो, चाल देख रहे हो भाई साहब, और कुछ ही स्वैग देख रहे हो भाई। हेलो, ये निकल गया नीचे सीधा, बस सामने लिफ्ट की पार्किंग ही है। ये निकल गई जी लिफ्ट की पार्किंग, यहाँ से पिक करेंगे हम अपनी गाड़ी। आजकल तो ठीक है, वरना तो चाहिए नहीं लगी होती है यहाँ पे, फुल पार्किंग फुल, और अब सीज़न जब टॉप का चलेगा तब तो। चलो फिर मिलते हैं आपको रात को, बोला टाइम भी देख के जाओ, बड़ा मस्त है शाम को, रात को बड़ा सही लग रहा था। ये तो शिमला में पार्किंग बन गई है, नहीं तो भाई जी पता नहीं क्या ही होता शिमला का, तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, गड्डियाँ तो पता नहीं कहाँ ही लगती। ये भी छोटी, ये तो यहाँ से भी पार्ली साइड को होनी चाहिए थी, तब भी पूरा नहीं पटना था, पर चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग बोलते ही है ना। ये देखो कंस्ट्रक्शन का तो मैं क्या ही बोलूँ, बेचारे शिमला को जो बोझ लगा है ना, वो तो पूछो ही मत आप। ये है तिब्बतन मार्केट सामने,
ये वाला अजीबिका भवन, ये लिफ्ट की पार्किंग, वो बिल्कुल सामने, इसमें भी लिफ्ट लगी हुई है, 15-20 रुपए लगते हैं शायद उसके भी, वो भी सीधी आपको लोअर बाजार लेके चली जाएगी। और एक लिफ्ट ये है जो पुरानी लिफ्ट है, ये 20 रुपए लेती, पैसे बढ़ा दिए इन्होंने आजकल। ये कांग्रेस भवन है, ये लद्दाखी मोहल्ला है नीचे, ऊपर वो अगर देखोगे तो उधर वाला एरिया राम मंदिर है, नीचे बाईपास रोड है वो वाला, और ये पार्किंग है, और यहाँ मेरी गाड़ी है, और ये पर्ची है उसकी, ये वैले पार्किंग है ऊपर, 200 रुपए लगते हैं यहाँ पे, अगर नीचे जगह ना मिले तो वैले में तो मिल ही जाती है, पर इसका सीधा फ्लैट है 200 रुपए, और पता नहीं अगले दिन से 300 लेते हैं ऐसा कुछ है, पर पहले तो 200 ही है। हाँ गाड़ी ढूंढ लेते हैं कहाँ है मेरी। चलो फिर अभी तो जा रहा हूँ, रात को आऊँगा ब्लॉग में, फिर दिखाऊँगा आपको रात वाला, ठीक है। गाड़ी मेरी कहाँ लिखी है, एक नीचे है शायद, एक और। मैं रात को फेमस मॉल रोड पे हूँ, और आजकल चकाचौंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, टूरिस्ट तो इतना नहीं आया है, पर हाँ ये है कि ठंड काफ़ी हो गई है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज की हायर जितने भी एरियाज हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं भाई, वहाँ पे तो पड़ गई है बर्फ, तो उस वजह से भी हवा ठंडी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है अगर रात को आप आओगे ना, रिज पे वॉक करने का, मॉल पे वॉक करने का अपना ही मज़ा है, अलग ही वाइब है शहर की, बहुत सही लगता है रात को घूमना। अभी कोविड के बाद बारिशें आ गई, बारिशों के बाद मतलब वो फ्लो नहीं अभी शिमला ने देखा है, धीरे धीरे तैयार हो रहा है, हालांकि उसके लिए जो होता था ना कि मतलब बेरहम आएगा अभी देखना आके बर्फ़ पड़ने वाली, पिछले साल तो स्किप हो गया, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब इस साल बर्फ़ पड़नी चाहिए, क्योंकि ऊपर चोटियों पे तो पड़ी गई है, तो शिमला शायद उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस बार स्किप नहीं करेगा मौसम बर्फ़ का, बाकी देखते हैं, मैं तो अपडेट करूँगा ये आपको, ब्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे बर्फ़ के। यहाँ जैसे चकाचौंध थोड़ी बढ़ जाती है आजकल, तो वैसे भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, लोगों को तो समझ ही नहीं आता था पहले है क्या, और जब से इसमें वो बनाया है, क्या कहते हैं, फूड स्ट्रीट बनाया है, उस टाइम से थोड़ा सा लोगों को अब लगा पता लगने कि अच्छा इसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा, जो कॉफ़ी होती है, वांगो और हिमाचली धाम मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ सुंदर लग रहा है देखने में, शानदार शाम है मॉल रोड की, और ये देखो फूड स्ट्रीट, एक बार अंदर दिखा दें आपको क्या बन रहा है अंदर। चलो
ये तो ऐसी रात का व्यू। तो अभी ऐसा हो गया है कि शिमला में अब जैकेट्स वगैरह चल पड़ी हैं, मैंने भी एक मोटा जैकेट डाला, अंदर स्वेटर तो नहीं है, पर अब शाम को ज़रूरत पड़ेगी आपको वरना जुकाम लग जाएगा, तो कपड़े तो अब आगे आके गर्म ही लाओ आप। बाकी ये हसीन शाम भिजगी, मैंने सोचा चलो अभी घूम रहा हूँ तो आया था तो आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ठीक इसके बाद जो है, इस व्लॉग के बाद जो है मेरी आने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेके, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी ड्रीम राइड करने वाला हूँ। और मेरी ड्रीम राइड मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरी ड्रीम राइड है शिमला से स्पीति जाऊँगा, पर बीच में काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो, और मेरी तरह टूर प्लान करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। शानदार रिज का नज़ारा, और बस यहाँ से सीधे घर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यार अब जल्दी ना, इस शानदार नज़ारे के साथ साथ अब मैं बहुत ही अच्छी राइड करने वाला हूँ, और अब शिमला के क्या पूरे हिमाचल के रोड सेफ़ हो चुके हैं, इवन मनाली कहीं भी चले जाओ, लाहौल वगैरह में अटल टनल पे तो बर्फ़ भी पड़ गई है, तो अभी आप बर्फ़ भी देख सकते हैं, धीरे धीरे शिमला भी बर्फ़ आ जाएगी, पर शिमला में बर्फ़ जो है लेट आती है, शिमला में बर्फ़ आएगी जैन मिड में, इससे पहले बर्फ़ नहीं आती यहाँ पर। तो बस स्टे ट्यून्ड, काफ़ी मज़ा आने वाला है सीरीज़, तो मतलब मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चलने के लिए, काफ़ी कुछ है, मेरे छोटे छोटे स्टॉप्स रहेंगे, एक बार में ज़्यादा जर्नी नहीं करूँगा ताकि थके ना और अच्छे से दिखा सकूँ आपको पूरा स्पीति जिन्होंने नहीं देखा है। चलो यार, आई होप जितना मैंने एंजॉय किया इस नाइट